बल्लभगढ़ के बाजारों में विभिन्न रंगों से सजी दुकानें आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। अभिभावक अपने बच्चों के लिए इन दुकानों पर खरीदारी करते नजर आ रहे हैं। अभिभावकों ने बताया कि वो अपने बच्चों के लिए पिचकारियां और रंग खरीदने आए हैं और इस बार पिछले साल के मुकाबले ही कीमतें हैं और उसमें कोई इजाफा नहीं हुआ है। लोग अपनी मनपसंद की रंगीन टोपियां खरीद रहे हैं। वहीं सर पर लगाने वाली रंग बिरंगी विग भी बच्चों को खूब आकर्षित कर रही है। होली का जी बड़ा अच्छा उत्साह है, अच्छा त्यौहार है, मिलने जुलने का त्यौहार है, लोगों के लिए रंगों का बहुत महत्व है इस होली पर। क्या कुछ खरीद रहे हैं? तो ये बच्चों के लिए पिचकारी ले रहा हूँ, कुछ कलर्स ले रहा हूँ और छोटे मोटे आइटम लूंगा बच्चों के लिए। भैया महंगाई तो हर साल बढ़ती रहती है, पर फिर भी पिछले साल के तकरीबन रेट सेम से ही है इस बार। अच्छा। हमारे यहाँ तो बहुत अच्छी तरीके से होली मनाई जाती है और कुछ दिनों से सालों से यहाँ वर्किंग कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ तो उससे ज़्यादा, और यहाँ पे देखा तो बहुत अच्छा लगा। मैंने भी अभी तो बच्चों के लिए पिचकारी वगैरह खरीदी है, बाहर रखी है और स्प्रे लिए, बाकी टी शर्ट देख रहा हूँ, बाकी टोपी भी लगा रखी, टोपी भी। हाँ ये लिए मैंने, बहुत अच्छी रेटों में मिली है बाजार से। होली के रंग बिरंगे रंग और पिचकारियां बेचने वाले दुकानदार यशपाल ने बताया कि वो पिछले 26 साल से रंग बेचने का काम कर रहे हैं और हर साल 15 से 20 फीसदी की सेल बढ़ रही है क्योंकि हर साल नई आइटम बाजार में इंट्रोड्यूस होती हैं। ऐसा है जी, मैं पिछले 26 साल से रंगोलाल का काम कर रहा हूँ, बल्लौंड के बाजार में इस मंडी के अंदर काम करता हूँ मैं, और मैंने तो एक चीज देखी है कि हर साल मेरी सेल दिन ब दिन बढ़ रही है, 10%, 15%, 20%, क्योंकि हर साल ना नई नई आइटमें आ जाती हैं। जैसे पहले आता था सिर्फ गुलाल, उसके बाद स्टार्ट हुआ हर्बल गुलाल आना, उसके बाद स्टार्ट हुआ ऑर्गेनिक गुलाल, अब क्या है टी शर्ट आ गई, मास्क आ गए, मूछ आ गई नकली, और तरह तरह के सिलेंडर आ गए, इलेक्ट्रिक गन आ गई। इलेक्ट्रिक गन इसी साल से स्टार्ट हुई है, मतलब आप एक बार बैटरी चार्ज कर दो और चाहे एक ड्रम पानी को अपने आप फेंक देगी ऑटोमेटिक, तो उस चीज़ की बहुत डिमांड आ रही है। तो सबसे ज्यादा क्या बिक रहा है आपको? सबसे ज्यादा क्या बिक रहा है रंगों? देखो जी, रंग गुलाल की सेल तो है ही है, लेकिन गुलाल के अंदर अगर मैं बात करूँ तो भगवा कलर की सबसे ज्यादा डिमांड आ रही है। वैसे तो मेरे पास 12 कलर का गुलाल होता है, लेकिन इस साल सबसे ज्यादा डिमांड भगवा कलर की है। दुकानदार ने बताया कि पहले गुलाल खरीदा जाता था, फिर उसके बाद हर्बल रंग आने शुरू हुए और फिर अब उसके बाद ऑर्गेनिक रंगों ने मार्केट में अपनी पकड़ बना ली है। लेकिन अब रंगों के अलावा रंग बिरंगे मास्क, नकली मूंछ और रंग विग और टी शर्ट जैसी चीज भी ग्राहकों द्वारा बढ़ चढ़ कर खरीदी जा रही है। फरीदाबाद से दीपक गौतम की रिपोर्ट।